नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रिशु त्यागी। सियासत में कहावत है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। बात भी सही है। लोकसभा की 80 सीटें यूपी में और किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा है। जाहिर है जितनी सीटें यूपी में हैं, तो अगर यूपी जीत लिया तो दिल्ली भी उसी के कब्जे में होगी। अब यूपी की 80 सीटों के लिए घमासान शुरू हो गया है, बैठकों का दौर शुरू हो गया है। यूपी में क्लीन स्वीप के लिए बीजेपी मंथन कर रही है। यूपी में मिशन 80 को पूरा करने के लिए एनडीए अपना कुनबा बढ़ा रहा है। आरएलडी के शामिल होने से पश्चिमी यूपी में बीजेपी की ताकत बढ़ी है, तो सुबह सपा के ओपी राजभर के आने से पूर्वांचल में बीजेपी और भी ज्यादा मजबूत हुई है। लेकिन सपा और कांग्रेस ने गठबंधन कर बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ा दी है। उधर यूपी में मायावती की पार्टी बसपा के कमजोर पड़ने से दलित वोट पर कब्जे की जो लड़ाई है वो तेज हो गई है। एनडीए और विपक्षी गठबंधन दोनों में दलित वोट के लिए होड़ मची हुई है। इस बीच शुक्रवार को पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण कर लोकसभा चुनाव से पहले दलित वोटरों को लुभाने का बड़ा प्रयास किया है। वहीं पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के फॉर्मूले पर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही समाजवादी पार्टी की काट के लिए अब बीजेपी डीपीए यानी दलित पिछड़ा अगड़ा का चक्रव्यूह रच रही है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने क्लीन स्वीप के लिए नया फॉर्मूला तैयार कर लिया है। इस फॉर्मूले का पहला पड़ाव वो 14 लोकसभा सीटें हैं जहां पिछले चुनाव में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं थी। इस बार सबसे ज्यादा जोर इन्हीं 14 सीटों पर रहने वाला है, ताकि 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाया जा सके। लेकिन दूसरी तरफ दो लड़कों की जोड़ी भी हुंकार भर रही है, बीजेपी को हराने का दावा कर रही है और ऐसे तमाम नेताओं को साथ जोड़ रही है जिनकी सियासत बीजेपी के खिलाफ रहती है। अफजल अंसारी के बाद अब इस लिस्ट में अमरोहा से बीएसपी सांसद दानिश अली का नाम भी जुड़ने वाला है। बीजेपी ने पिछले दोनों लोकसभा चुनाव अलग अलग सियासी हालात में लड़े हैं। 2014 में उसके सामने कोई भी बड़ा गठबंधन नहीं था, जबकि 2019 में समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक साथ थी। अब हालात ऐसे हैं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक मंच पर खड़े हैं, लेकिन पीएम मोदी का भरोसा है कि ये गठबंधन भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन बीजेपी की पहली लिस्ट में कहां कहां से प्रत्याशी होंगे, इसका इंतजार अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हालांकि सूत्र यही बता रहे हैं कि अधिसूचना जारी होने से पहले यूपी में बीजेपी प्रत्याशियों की पहली लिस्ट आ जाएगी। तीन स्तर पर सर्वे के बाद लिस्ट लगभग फाइनल है। बीजेपी इसी महीने के अंत तक लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। करीब 100 उम्मीदवारों की पहली सूची होगी। पहली सूची में ज्यादातर वो सीटें होंगी जिनमें बीजेपी 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव में हार गई थी। इसमें उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटें भी शामिल हैं। उधर समाजवादी पार्टी अब तक यूपी की 31 सीटों पर प्रत्याशी उतार चुकी है, जिसमें पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक वर्गों का ख्याल रखा गया है। कांग्रेस के खाते में 17 सीटें जा चुकी हैं, लेकिन प्रत्याशियों के नाम पर मंथन हो रहा है। उधर पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के फॉर्मूले पर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही समाजवादी पार्टी की काट ढूंढने के लिए अब बीजेपी पीडीए यानी दलित पिछड़ा अगड़ा का चक्रव्यूह रच रही है। शुक्रवार को वाराणसी में पीएम मोदी ने यहां सीर गोवर्धन में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण कर लोकसभा चुनाव से पहले दलित वोटरों को लुभाने का बड़ा प्रयास किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में 17 आरक्षित लोकसभा सीट हैं, लेकिन प्रदेश की 40 से अधिक लोकसभा सीटों पर 21-22% दलित वोट बैंक पासा किसी भी तरफ पलट सकता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में बीजेपी ये सारी 17 सीटें अपनी झोली में डालने में कामयाब रही थी। लोकसभा चुनाव 2019 में
बीजेपी को 15 आरक्षित सीटों पर सफलता मिली थी, 2 सीटें बसपा ने जीती थी। मायावती के लगातार घटते जनाधार के बीच बीजेपी और सपा कांग्रेस के विपक्षी गठबंधन की नजर इसी वोट बैंक पर है, खासकर गैर जाटव दलित जातियों को अपने पाले में लाने की कोशिश है। बीजेपी ने यूपी के लिए अपना एजेंडा सेट कर दिया है। अब देखना है कि क्या बीजेपी यूपी में पिछले 2 बार का करिश्मा दिखा पाती है या फिर 2 लड़कों की जोड़ी इस बार मोदी पर भारी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो कौन किस पर पड़ेगा भारी, ये तो चुनाव के नतीजे ही साफ कर पाएंगे, लेकिन ये जरूर है चाहे बात बीजेपी की जाए या फिर अखिलेश और राहुल के उत्तर प्रदेश में गठबंधन को लेकर सभी अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं और पूरी रणनीति इस दौरान उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों को जीतने के लिए सभी ने बनाई हुई है। इसी को लेकर करेंगे मुद्दा में हम चर्चा। कई विशेष अतिथि हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अश्वनी शाही जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका शाही जी। कांग्रेस के प्रवक्ता प्रखर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। सपा के प्रवक्ता डॉक्टर शिव कुमार दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक परमवीर सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत परमवीर सिंह जी। परमवीर सिंह जी, लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा समय शेष नहीं रह गया है, कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है, लेकिन इससे पहले जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की और खासतौर पर बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और इन 80 सीटों को लेकर जहां बीजेपी पूरी रणनीति बना रही है, वहीं अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी हर हाल में इन सभी सीटों को अपने पाले में लाना चाहती है, किस तरीके से देख रहे हैं इस बार के चुनावों को आप? परमवीर जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बताइए प्रखर सिंह जी, बीजेपी इस बार कह रही है कि अब की बार 400 के पार, आप लोगों ने भी कुछ रणनीति बनाई होगी, 400 की तो हम बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम पहले उत्तर प्रदेश की ही बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को लेकर क्या कुछ रणनीति आपकी? भारतीय जनता पार्टी क्या बोलती है उसकी जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये भी बोलती कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या दिए 15 लाख बैंक अकाउंट खाते में देंगे, क्या दिया किसान की आय दुगनी होगी, क्या किया, किसान सड़क पर है, नौजवान सड़क पर है, नौजवान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगारी चरम पर है, 44% युवा जो 25 साल से कम का है वो बेरोजगार है। अभी देखिए उत्तर प्रदेश में किस तरीके से पेपर लीक हो रहा है, क्या कार्रवाई कर दी आपने, किस पर कार्रवाई करी? जब कार्रवाई की बात आती तब इधर उधर की बात करने लगते हैं। बीएचयू में जो इनके आईटी सर के लड़कों ने जो घटना करी उस पर कितने दिनों बाद कार्रवाई करी? लेकिन तो प्रशासन, उत्तर प्रदेश के प्रशासन का कहना है कि पेपर लीक ही नहीं हुआ है, अगर किसी के पास कोई पुख्ता सबूत है तो वो दे दे, हम आगे कार्रवाई करेंगे। तब फिर पेपर कैंसिल क्यों कर दिया? अगर लीक नहीं हुआ तो कैंसिल क्यों कर दिया? देखिए झूठ बोलना इनका काम है, कहीं और की बात होती देखिए कितनी देर बुलडोजर चलता है, जब अपने की बात आ जाती है कोई भी बुलडोजर के अधिकारी। ठीक है, आप तमाम मुद्दे उठाएंगे, मैं उन पर भी जवाब लूंगी, लेकिन पहले इस पर जवाब ले लेती हूँ, इस पर जवाब लेना तो बनता है ना शाही जी। देखिए अभी जो है आपने कहा, आपने सवाल क्या पूछा और कांग्रेस कहाँ चली गई? नहीं ठीक है कोई बात नहीं, देखिए सर वो लोग विपक्ष में हैं, उन लोगों का काम है सवाल करना, कोई बात नहीं, आप जवाब दे दीजिए उस पर। मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ, सरकार ने जो इस तरीके से मीडिया और सबके द्वारा जो है जैसे इसमें फैल रहा है कि पेपर लीक हुआ है तो हम उसकी जांच करा रहे हैं, परीक्षा रद्द कर दी गई, 6 महीने के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित कर दिया कि फिर से परीक्षा की उस पर और सारी जांच होगी, अगर कोई दोषी होता है कुछ मिलता है उसमें कि हाँ हुआ है तो एकदम जो है उस पर कार्रवाई होगी, नहीं तो अगर भ्रम फैलाया है विपक्ष ने तो वो अलग चीज है कि उस पर जो है ये लोग एक्सपोज होंगे वो अलग चीज, उस पर पटाक्षेप हो चुका है उसकी जांच। बाकी देखिए आप कहेंगी सीट शेयरिंग की बात और इसमें चुनाव की बात, तो ये लोग पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे, साल भर तो एक चिल्लाते रहते हैं। एक कहावत कही जाती है कि रात भर चिटियानी दो मिमना दिन बियानी, ऐसे कुछ करके एक कहावत है कि भाई ये लोग इतना आडंबर फैलाए इंडी अलायंस ये वो, और किस तरीके से धीरे धीरे किस तरीके से कांग्रेस को क्षेत्रीय दल नकारते जा रहे हैं, कांग्रेस एक पिछलग्गू दल बनती चली जा रही है, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो,
आज देखिए किस तरीके से पंजाब में नहीं हो रहा इंडिया अलायंस का गठबंधन, लेकिन दिल्ली में हो गया। पंजाब में एक दूसरे को गाली देंगे और दिल्ली में कहेंगे जिंदाबाद। तो ये विपक्ष एक बोझ हो चुका है। हम लोग 400 सीट का जो नारा है जनता समझ चुकी है। एक बार उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जोड़ी फ्लॉप हो चुकी है, उत्तर प्रदेश की जनता ने जवाब दे दिया है। बुआ बबुआ की जोड़ी नाकाम हो चुकी है, तो फिर हमारी तैयारी पूरी है सबका साथ सबका विकास। तो लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हमेशा दो लड़कों की जो जोड़ी है वो कमाल नहीं कर पाएगी। हो सकता है कि इस बार कमाल करके दिखा दे और जैसा आप लोगों ने सोचा भी ना हो, क्योंकि आप लोग तो पहले से ही तय कर लेते हैं कि जनता हर हाल में हमें उत्तर प्रदेश की 80 से 80 सीटें जो है वो देने वाली है। लेकिन हो सकता है ना जनता ने इस बार अपना मूड चेंज कर लिया हो। जनता के मन की बातों को आप लोग कैसे समझ जाते हैं? अपने मन की बात आप समझे तो अच्छी बात है, बाकी लोगों के मन की बात कैसे भाप जाते हैं आप? हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए हम दिन भर जो है सड़कों पर दौड़ रहे हैं। तो अखिलेश यादव जो सत्ता में थे क्या उन्होंने काम नहीं किया था क्या? अरे कहा अखिलेश यादव जी ने किया होता है तो उनका नारा था काम बोलता है, जनता ने हटाकर 17 में बाहर कर दिया, 22 में भी जगह नहीं दिया। ठीक है डॉक्टर शिव कुमार दुबे जी, ये तो कह रहे हैं अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में कोई काम ही नहीं किया। आपको आवाज मिल पा रही है डॉक्टर शिव कुमार? चलिए लगता है कि आवाज नहीं पहुंच पा रही है, संपर्क साधने की कोशिश हम करेंगे डॉक्टर शिव कुमार दुबे जी से। और परमवीर सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार इस डिबेट में। परमवीर सिंह जी, उत्तर प्रदेश में दलित वोटों पर बीजेपी काफी मेहनत कर रही है, बसपा के कमजोर होने के बाद इस वोट बैंक का झुकाव किसकी तरफ है और यहाँ बीजेपी कितनी सफल आपको दिखाई दे रही है? रेशु जी देखिए, प्रधानमंत्री के वक्तव्य जब हम सुनते हैं और लगातार उनकी अप्रोच देखते हैं हम कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो उसमें दलित और गैर दलित का कोई मतलब ही नहीं रहता है, रह जाता है। और खास करके हमने देखा है यूपी के अंदर हमारे जैसे विकास के पद पर यूपी चल रहा है तो जातीय समीकरणों से ऊपर उठ के राजनीति करने की कोशिश की जा रही है और लाभार्थी का एक वो बनाया जा रहा है, लाभार्थी की एक नई एक बनाने की कोशिश की जा रही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो और काफी काम भी हुए हैं। तो उस नाते से अगर जो पिछड़ा वर्ग है हमारा, मैं दलित शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, जो पिछड़ा वर्ग है वो भाजपा के काम से काफी संतुष्ट है और उसी का परिणाम है कि यूपी के अंदर वरना दोबारा सत्ता में आना बहुत मुश्किल था। 60 के दशक में कभी कांग्रेस आया करती थी, दोबारा भाजपा का आधा संदेश था कि जनता का सपोर्ट है, ऑल अराउंड जनता के सभी क्वार्टर्स के सभी कॉर्नर से सपोर्ट है। तो ये अच्छा काम है और ये तभी बन पाता है कि जब आप जनता के बीच में डायरेक्ट उनसे बात कर रहे होते हैं और उनका लाभ मिल रहा होता है उस चीज से, तो स्वाभाविक है इसका फायदा मिलेगा। और कल भी हमने देखा है प्रधानमंत्री का बनारस दौरा जो जारी है, वहां पर वो समाज के सभी तबके से बात कर रहे हैं, सभी तबके को साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं और यही नीति है जो मुझे लगता है कि बार बार वोट में तब्दील होती है और सत्ता में भाजपा आती है बार बार। यहाँ पर समझना होगा मायावती जैसे देखते हैं उनका राजनीति करने का तरीका बहुत पुराना है, वो सोशल मीडिया पर एंगेज कम करती हैं, डायरेक्ट संवाद कम करती हैं, लेकिन उनका काडर अपनी जगह बहुत मजबूत है। तो ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि मायावती जी अगर प्रचार नहीं कर रही हैं तो वो बाहर हो गई है राजनीति के गलियारों से, वो बहुत प्रासंगिक है अभी भी और वो अंत समय पर ही पता लगता है कार्ड कैसे खुलते हैं उनके, वो खोलेंगी पत्ते अपने। ठीक है, मायावती कब क्या पत्ते खोलेंगी, खैर ये तो मायावती ही जाने क्योंकि वो क्या करती हैं उनसे बेहतर कोई और जान नहीं सकता। लेकिन अखिलेश यादव के कार्यकाल के बारे में शाही जी यहाँ पर बात कर रहे थे, डॉक्टर शिव कुमार दुबे जी, और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में कोई कार्य ही नहीं किया, अगर कार्य किया होता तो जनता उन्हें नकारती नहीं बल्कि वो सत्ता के सिंहासन पर इस वक्त होते। शायद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस चीज को एहसास नहीं करना चाहते कि ये कितने बार लखनऊ से दिल्ली गए होंगे, तो इन्होंने जो एक्सप्रेस वे उपयोग में किया होगा वो मेरे सरकार के द्वारा ही बनाया गया है। कि अगर ये लखनऊ में मेट्रो पे चले होंगे तो इनको शायद एहसास नहीं हुआ है कि वो मेट्रो पार्टी की देन है। ऐसे कई हम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं जो समाजवादी पार्टी ने काम किया है, लेकिन ठीक है जनता का जो जनादेश होता है उसको सबको स्वीकार करना पड़ता है। ठीक है हमें कुछ कमियां रह गई होंगी जिसके कारण हमें सत्ता में दोबारा मौका नहीं दिया जनता ने, लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि यही
2027 में हमारी सरकार आएगी और ये भारतीय जनता पार्टी के 2027 तो अभी दूर है ना, 2024 को लेकर ही बात कर लेते हैं। 80 सीटों को लेकर आपका क्या प्लान है सर? नहीं, यूपी के दो लड़के कमाल दिखा पाएंगे? नहीं, उसी पे तो मैं आ रहा था। वो तो इसके लिए है कि इन्होंने सरकार का कामकाज बोला, हमारी अभी केंद्र सरकार में तो अकेली पार्टी की सरकार नहीं आई। ठीक है, मैं 80 सीटों की भी बात कर रही हूँ, 80 सीटों पर आप बताइए। तो 80 सीटों पे जो हमारा गठबंधन हुआ है, आप लिख लीजिए आज की तारीख में कि भारतीय जनता पार्टी को उल्टे पांव भागना पड़ेगा। सर, हमको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आजकल तो डिबेट कर रहे हैं ना, सब रिकॉर्ड हो रहा है, चिंता मत करिए, लिखने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो आपको भेज देंगे जब नतीजे आएंगे, यही वीडियो आपको शेयर कर देंगे हम लोग। हाँ, मेरी बात लिख लेना कि इनको लिखने की जरूरत नहीं है, बार बार तो कह रही हूँ, लिखने का जमाना तो चला गया ना, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। चप्पलें पहनने का भी समय नहीं मिलेगा, जनता इस तरीके की भगाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा, अगर उस समय आप शायद हो भी सकता है कि हो नहीं, लेकिन उम्र के हिसाब से ऐसा लगता है कि उस समय आप मीडिया में नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी सर, क्या कहना क्या चाहते हैं आप? 2000 कहना क्या चाहते हैं? मतलब मैं क्यों मीडिया में नहीं होंगी सर? आप लोग अपनी बात करिए ना, मैं तो मीडिया, मेरा पैशन है, मैं तो मीडिया में रहूंगी। ये आप कैसे तय कर सकते हैं कि उस वक्त मैं मीडिया में होंगी या नहीं होंगी? नहीं, समझी नहीं से क्या मतलब है सर? समझी नहीं मतलब मैं मीडिया में होंगी या नहीं होंगी, ये आप तय करने वाले कौन है? अरे भाई, पास्ट की बात कर रहा हूँ। अरे सर, कहना क्या चाहते हैं? कहना क्या चाहते हैं, खुद ही नहीं पता आपको? तो बोल तो सुनिए, बोल तो सुनिए, हाँ सुनाइए, सुनाइए। 2004 में, 2004 में भारतीय जनता पार्टी लेड एनडीए ने साइनिंग इंडिया का नारा दिया था, तो शायद उस समय आप नहीं होगी, मैं ये बोल रहा हूँ। क्यों नहीं होंगी सर? आपको मेरी उम्र पता है, मैं उस वक्त मीडिया में थी या नहीं थी, आपको सब पता है क्या? शायद कोई ज्योतिषी है आपने? अरे शायद की बात किया, अरे सर, मुद्दे पर आइए ना, आप लोग कहाँ की बात को कहाँ पर ले जाते हैं? मैंने सीधा सीधा आपसे सवाल किया कि यूपी के दो लड़के कमाल कर पाएंगे उत्तर प्रदेश में, 80 में से कितनी सीटें आप लेकर आ रहे हैं? बीजेपी तो लगातार दावा कर रही है कि 80 की 80 सीटों पर इस बार कमल खिलेगा। अरे वो तो मैं बोल रहा हूँ कि वो कहाँ बोल रही है, कुछ नहीं बता पाएंगे, कोई मुद्दा नहीं, साइनिंग इंडिया, साइनिंग इंडिया, साइनिंग इंडिया, और पब्लिक ने ऐसा मारा है, इनको भाषण नहीं बना, ठीक वही आपकी बात रिटर्न होगा, और फिर आपकी बात इनको भागने का मौका नहीं मिलेगा, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। अरे आप, आपके साइकिल से उतर उतर के जो लोग भाग रहे हैं उनको तो बचाइए पहले, सब उतर कर भागने को तैयार हो रहे हैं। एनडीए से जो भाग गए हैं उनको बुलाएं, हमारे में तो उतने ही है, हमारे में तो उतने ही है। सर, आपकी पार्टी को छोड़कर सब बीजेपी में जा रहे हैं, क्यों बीजेपी का दामन थाम रहे हैं? इस पर आपने विचार किया, इस पर मंथन किया आप लोगों ने कभी? तो मैं आज आपको ये बता रहा हूँ, शायद अभी तक मैं एक दो चैनल पे और बताया, आज मैं आपके चैनल पे बता रहा हूँ कि बहुत से बीजेपी के नेता, सीनियर नेता समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए मतलब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी इस मामले पे, तो आप उनको शामिल क्यों नहीं करा रहे हैं? आप उनको शामिल कराइए ना, आप बड़ा दिल खोलिए, बीजेपी के दरवाजे तो हर किसी के लिए खुले रहते हैं, हर किसी का स्वागत करते हैं, आप लोग भी बड़ा दिल दिखाइए। इनके दरवाजे क्या खुले होंगे, ये कांग्रेस मुक्त देश की बात कर रहे हैं, कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी हो गई। आज इनके नेता बच्चे कहाँ हैं? अशोक चौहान को ला रहे, कहीं वहाँ पे एनसीपी को ला रहे, कहीं वो शिंदे गुट को ला रहे, कहीं यहाँ पे देखिए कमलनाथ के पीछे पड़ गए थे कि चलिए चलिए चलिए, वो तो कांग्रेस ने बचा लिया कि भाई ये सब मामला सही नहीं है। तो इस तरीके से सिंधिया पे राजनीति कर रहे, इनका खुद का वजूद कहाँ है? वो ही तो मैं बोल रहा हूँ, इनको भागने का मौका नहीं मिलेगा, उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं है, रिजल्ट आएगा, पूछ रहे हैं देखना। अरे दुबे जी कहाँ भाई, आज कुछ मध्य प्रदेश में क्या हुआ था सर? आज जिस कांग्रेस की तारीफ कर रहे हैं आप, मध्य प्रदेश में क्या हुआ था? मध्य प्रदेश से उन्होंने ही आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया था। कौन है अखिलेश? ये चीज वो चीज अलग है, लेकिन नेताओं की एंट्री की मैं जो आपने बात किया उसकी मैंने बोला कि नेताओं की एंट्री कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी के रूप में अग्रसर हो रही है। ठीक है,
प्रखर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आखिरी प्रतिक्रिया प्रखर जी। देखिए बीजेपी प्रवक्ता जी बड़े खुशी से बोल रहे थे तो मुझे लगता है इनको खुश नहीं रहना देना चाहिए। इनको बताइए नीतीश कुमार के लिए आप क्या क्या बोलते थे? आपके ओम प्रकाश राजभर ने प्रधानमंत्री जी से लेकर के मुख्यमंत्री जी के लिए क्या क्या बोला? आप लोग तो पीडीपी के लिए क्या क्या बोलते थे? तो आप देखिए डबल स्टैंडर्ड लगे, आप ही के नेता कहते थे चक्की पीसिंग उसके बाद रहने दे रहा आपने दिया फाइनेंस मिनिस्टर। देखिए ये मंशा है, डबल स्टैंडर्ड है आपका, जनता देख रही है। आप उनको खुश नहीं रहने देना चाहिए। जिस पर आरोप लगाते हैं, जिसको आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का, उसको बड़ा पद दे देते हैं। ये क्वालिटी खाली भारतीय जनता पार्टी में है और ये नहीं स्टैट है। आप देख लीजिए ये क्वालिटी तो आपके गठबंधन के सहयोगियों में भी है। स्वामी प्रसाद मौर्य जिनका जिनको निष्कासित करना चाहिए था पार्टी से, उनको प्रमोशन दिया गया, लेकिन ठीक है आप वो साथ छोड़कर चले गए, तो ये क्वालिटी तो सब में है सर। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए। समय का मेरे पास अभाव है। मुद्दा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।